आज बच्चों हम लोग बात करेंगे नॉर्मलिटी फैक्टर। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे, 100% समझ में आएगा। छोटा वीडियो है, देखने के बाद कहेंगे वाह वाह मज़ा आ गया है ने। तो मज़ा लेने के लिए बच्चों बोर्ड पर नज़र रखें। नॉर्मलिटी फैक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ। नॉर्मलिटी फैक्टर को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्या है बच्चों, जैसे एन है, इसको कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़ रहे हैं है ना, जिसमें नॉर्मलिटी, मोलेरिटी ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एन बाई टू, इसको कहते हैं सेमी नॉर्मल है ना। एन बाई टेन, इसको कहते हैं डेसी नॉर्मल। कहता है ये तीन सॉल्यूशन ऐसा है जिसका प्रिपरेशन के बाद कैरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं निकालता है ना। इसके लिए नॉर्मलिटी फैक्टर को लाया गया। अब नॉर्मलिटी फैक्टर है क्या, जैसे हम लोग एक स्फेरिकल फ्लास्क लेते हैं जिसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहा जाता है ना। इसमें 1 लीटर एन बाई टेन Na2CO3 सॉल्यूशन को लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसमें लेते हैं। कहता है इसमें वेट ऑफ सबस्टांस टेकन 5.35 ग्राम लिए है ना, वेट ऑफ सबस्टांस टेकन मैंने लिए, लेकिन रिएक्शन होने के बाद कहता है रिक्वायर्ड वेट ऑफ सबस्टांस बराबर 5.3 ग्राम हो गया। तो कहता है नॉर्मलिटी फैक्टर वेट ऑफ सबस्टांस टेकिंग जितना लिए, रिक्वायर्ड वेट ऑफ सबस्टांस जितना वेट ऑफ सबस्टांस रिक्वायर्ड हुआ जमा हुआ, ये दोनों के रेशियो को नॉर्मलिटी फैक्टर कहते हैं। और इसी नॉर्मलिटी फैक्टर के तहत कहता है एप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का जो स्ट्रेंथ होता है ना, उसको करेक्ट करता है ना। तो हम लोग लिखेंगे इसका डिफिनेशन बच्चों है ना, नॉर्मलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज ए नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ द एप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन गिव्स द करेक्ट स्ट्रेंथ। कहता है नॉर्मलिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज ए नंबर। कहता है नॉर्मलिटी फैक्टर को डिफाइंड किया जाता है, कहता है एक प्रकार का नंबर है, वेन मल्टीप्लाइड, जिसको मल्टीप्लाइड यानी गुणा करेंगे विथ
द एप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ जो एप्रोक्सीमेट आया है, लगभग आता है ना, उसमें मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या होता है, करेक्ट स्ट्रेंथ निकलता है, यानी नॉर्मलिटी फैक्टर बराबर हो गया बच्चों वेट ऑफ सबस्टांस टेकन डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड वेट ऑफ सबस्टांस। यानी यहां आप देख लीजिए वेट ऑफ सबस्टांस कितना आया है, 5.35, रिक्वायर्ड वेट ऑफ सबस्टांस 5.30, इसको काटेंगे 1.009, यही आपका नॉर्मलिटी फैक्टर आया। और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 1 लीटर, यानी 1 लीटर n बाई 10 Na2 CO3 1.009 नॉर्मलिटी फैक्टर सॉल्यूशन, यही आपका करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आया बच्चों। तो पूछेगा नॉर्मलिटी फैक्टर क्या है, तो वैसा नंबर जो कि एप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी फैक्टर। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।